दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप 2023 का तीसरा मैच का एक सटीक भविष्यवाणी देने वाले हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट मैच के दीवाने तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही हमें कमेंट में जरूर लिखें आप इन दोनों टीमों में से किसको सपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश शनिवार 7 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में ICC विश्व कप 2023 के अपने शुरुआती मैच में अफगानिस्तान से भिड़ने के लिए तैयार है। बांग्लादेश को लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपने बल्लेबाजी लाइनअप की सख्त जरूरत है, खासकर आगे होने वाले विश्व कप के मैचों के लिए। वहीं कुछ दिन पहले गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप अभ्यास मैच में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद अफगानिस्तान इस मैच को लेकर आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों को मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट या फिर सेशन खेलना है तो गुरुजी प्रेडिक्शन के साथ जरूर से जुड़ना। इनका 95% से ज्यादा एक्यूरेट काम रहता है और बहुत ही सही रिपोर्ट आपको देंगे। इनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इनसे आप बात कीजिए और फुल प्रॉफिट कमाइए। आइए जानते हैं कैसे रहने वाली है पिच रिपोर्ट। धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेले गए 4 वनडे मैचों के दौरान पहली पारी का औसत लगभग 214 रन रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इन 4 मैचों में से 3 मैच में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। पिच बल्लेबाजी के अनुकूल है और उम्मीद है कि यहां एक बार फिर बल्लेबाजों को मदद मिलेगी। मैच की शुरुआती कुछ ओवर में तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है, जबकि बीच के ओवरों में स्पिनर प्रभावी भूमिका निभाएंगे। कप्तान यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकते हैं। वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच अब तक 15 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से बांग्लादेश ने 9 मैच वहीं अफगानिस्तान ने 6 मैच जीते हैं। वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश एक ऐसी टीम रही जिसके कई उलटफेर करते हुए बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश एक ऐसी टीम रही जिसने कई उलटफेर करते हुए बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। वहीं अफगानिस्तान टीम वनडे क्रिकेट में एक नई टीम है जो वनडे क्रिकेट में एक अच्छी टीम बनाकर उभर रही है। लेकिन बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मैचों की तुलना करें तो बांग्लादेश का पलड़ा यहां भारी है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले तीसरे मैच में जीत बांग्लादेश की होगी। दोस्तों क्या है आपका राय, आपके हिसाब से आज का मैच कौन जीतेगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।